अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं उसमें हम समझेंगे OCV वाल्व, यानी ऑयल कंट्रोल वाल्व जो है वो कैसे काम कर रहा है, और उसके बारे में डिटेल थोड़ा करेंगे एज एक्चुएटर ECM से कैसे कैसे काम कर रहा है। आइए, तो जो ऑयल कंट्रोल वाल्व है उसके अंदर एक सोलेनोइड लगा होता है कि उसको करंट दिया जाएगा, देन वो एक्टिवेट करेगा, बिकॉज इसके अंदर एक प्लंजर होता है। जब वो एक्टिवेट करेगा देन मूवमेंट ऑफ द फ्लो ऑफ ऑयल इन एंड आउट दैट कैन चेंज आवर पोजिशन, यानी हो सकता है कि यहाँ पे बंद हो जाए, यहाँ से आना स्टार्ट हो जाए, या यहाँ से आना स्टार्ट हो जाए, यहाँ पर बंद हो जाए। तो वो कब होगा? जब इसमें पर्टिकुलर सप्लाई भेजा जाएगा। तो यानी इसके अंदर क्या है, एक पर्टिकुलर कॉइल लगी हुई है अगर हम समझे तो हम कैसे चेक करेंगे? अगर हमें ये सोलेनोइड चेक करना है, यानी OCV ऑयल कंट्रोल वाल्व को अगर चेक करना हो, तो अब ये जो वाल्व है जो लगा हुआ है इसका अपना पर्टिकुलर रेजिस्टेंस 5 से 9 ओम्स के बीच होता है, 20 डिग्री सेल्सियस पर। अब ये जो वाल्व है ये किस टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल किया जाता है उसकी बात हम करेंगे। इसका इस्तेमाल किया जाता है वेरिएबल वॉल टाइमिंग में। यस, वेरिएबल वॉल टाइमिंग में। पहले के समय में फिक्स टाइमिंग आती थी, यानी उसके अंदर जो टाइमिंग सेक्शन है, यानी जो वॉल के खुलने और बंद होने का समय, वो बिल्कुल करेक्टली फिक्स है, चाहे वो आइडल स्पीड पे चल रहा हो, चाहे वो हाई स्पीड पे चल रहा हो। गाड़ी पे कम लोड हो तो भी वो वैसा ही काम करेगा, और ज्यादा हो तो भी। लेकिन वेरिएबल में क्या है कि ECM अपनी सुविधा अनुसार, लोड अनुसार, गाड़ी किस स्पीड पे चल रही है उसके अनुसार उसके समय को एडवांस और रिटायर कर सकता है। तो इस फीचर से हमें बहुत ज्यादा फायदा हुआ। सभी कंपनियों ने इसको अपने अपने हिसाब से जनरेट किया और अलग अलग नाम इसको दिए गए, जैसे VVT बोला गया, VTEC बोला गया, CVVT बोला गया, कई कंपनियों ने इसको IVTEC का नाम दिया। तो लॉट्स ऑफ द कंपनीज ऑल्सो यूज वेरिएबल टाइमिंग सिस्टम। तो अब ये टेक्नोलॉजी लगभग वर्ल्ड वाइड कॉमन हो चुकी है और दुनिया इसके बारे में जानती है। तो ये जो OCV वॉल्व है मेनली फंक्शनैलिटी इसी का है, आगे तो इंटरनली पार्ट्स की बात बाद में होगी, आने वाले जो पर्टिकुलर हम VVT का टॉपिक या वेरिएबल वॉल टाइमिंग का टॉपिक पढ़ेंगे उसमें। लेकिन अभी जब हम कंट्रोल वॉल्व की बात कर रहे हैं तो इसका पर्टिकुलर रेजिस्टेंस 5 से 9 ओम्स होता है 20 डिग्री टेम्परेचर पे। अब हम बात करेंगे कौन कौन से सेंसर्स नीडेड होंगे इसको एक्टिवेट करने के लिए, कब एक्टिवेट होना कब नहीं होना है। ECP सेंसर, CKP सेंसर, CMP सेंसर, मैस सेंसर, माफ सेंसर। माफ सेंसर डीजल में होता है, ये आपका डीजल गाड़ी के अंदर होता है। ईटी सेंसर, ब्रेक स्विच, क्लच, ये सभी सेंसर्स अलग अलग भूमिका निभाते हैं इस वॉल को एक्टिवेट करने में। किसी की वैल्यू बहुत ज्यादा हो सकती है कि हाँ इसके बगैर तो मैं काम ही नहीं करूंगा। जैसे अब टाइमिंग कंट्रोल करने के लिए रखा हुआ, तो टाइमिंग कंट्रोल में कौन बताता है? जो आपका CMP होता है वो टाइमिंग कंफर्म करने के लिए बताता है कि भाई इंटेक वॉल कब खुला कब बंद हुआ उसके बारे में। तो ये इसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑफ द फैक्टर है। जैसे मान लीजिए 70%, बाकी का भी डेटा इंपॉर्टेंट है लेकिन कुछ हद तक, उसे समथिंग ऑफ लिमिट। अब इसके बाद हम बातें करेंगे और समझेंगे कि अब ये जो सर्किट है आगे का ये कैसे एक्टिवेट हो रहा है। तो ये हो गया हमारा OCV वॉल्व। OCV वॉल्व के अंदर क्या बेसिकली है, एक कॉइल लगा हुआ है। अब 12 वोल्ट का सप्लाई जो है विद द हेल्प ऑफ द ट्रांजिस्टर्स वी कैन यूज NPN। इसके द्वारा क्या होगा कि जैसे ही इसको एक पर्टिकुलर बेस को, इसके बेस को क्या मिलेगा, एक पर्टिकुलर सप्लाई मिलेगा, देन 12 वोल्ट जो है वो आगे जाने स्टार्ट करेगी कॉइल। और जब इसके पॉइंट को मिलेगा ECM के द्वारा क्या मिलेगा, सप्लाई मिलेगा, तो क्या होगा ये सर्किट जाकर के ग्राउंड हो जाएगा, देन वी आर यूज एंड ऑपरेट द OCV वॉल। तो इस तरीके से हम OCV वॉल को ऑपरेट करते हैं, चलाते हैं। अब ये हमारा एक एक्चुएटर है कि ECM को भाई कितने लोग कुछ बताएंगे, तो भाई ये लोग बैठे हैं, ये सेंसर, ये स्विचेस, ये उसके दिमाग को बताएंगे भैया ये चीजें हो रही है। अब OCV वॉल आपको खोलना है, कितना खोलना है, वो सारा डिसीजन लिया जाएगा। और ECM क्या करेगा भाई, 12 वोल्ट्स तो इसके अंदर भेज देगा, 12 वोल्ट्स तो इसके अंदर, लेकिन इस वॉल्व को कब ग्राउंड करना है ये डिसीजन किसके पास है, ECM के पास। जब वो ग्राउंड करेगा तभी ये खुलेगा, अदरवाइज नहीं खुलेगा। तो ये एक सिमिलर तरीका है समझने के लिए कि किस तरीके से हमारा जो OCV वॉल्व है वो काम करता है।
तो आई होप आपको इस चीज की जानकारी मिली होगी।